नमस्कार, एज डाटा से मैं रोशनी दुबे। बहुत बड़ी खबर ये है कि कंगना रनौत अपने घर से निकल चुकी है अपने दफ्तर की ओर आने के लिए। यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है रास्ता। कंगना रनौत देखो अभी कुछ टाइम में यहाँ से आने वाली है। चंडीगढ़ से फ्लाइट भी नहीं पकड़ी थी उससे पहले। बीएमसी के लोग कंगना रनौत के दफ्तर को पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दिए थे। मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ में देनी चाहिए थी, तो इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार है वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी दफ्तर की ओर आ चुकी है, देखिए देखिए कंगना रनौत, ये देखिए कंगना अभी अपने दफ्तर के अंदर जा चुकी है। यश डाटा से मैं विशाल अंबानी। पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ अपने दफ्तर पर आई, जिसका नाम मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका आते ही ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक पूरा चेक किया और 5 मिनट के बाद अपने घर की ओर यहाँ से निकल गए। और मैं मुंबई कर, मतलब उन्होंने बोला कि मैं मुंबई कर हूँ और आज मैंने उनको बताया है कि आपको, आपके साथ हमारी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा रहेगी। कंगना रनौत पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद अपनी दफ्तर की ओर आई हुई थी। जब हाई कोर्ट ने कहा था कि 30 तारीख तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगा, तो बीएमसी के लोग रातों रात आके कंगना रनौत के दफ्तर को क्यों तोड़े? महाराष्ट्र सरकार को इतनी क्या जल्दी थी ऑफिस तोड़ने के लिए? जेसीबी तक को भी पहुंचा दिया ऑफिस तोड़ने के लिए। इतनी जल्दी अगर सुशांत सिंह के केस में होता तो आज सुशांत सिंह का हत्यारा सलाखों के पीछे होता।